नमस्कार, आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में अभिषेक आनंद जी का वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 6 साल से था और वो एक MBBS स्टूडेंट हैं और जिसकी वजह से उनको सर का भारीपन रहता था, सुनने में भी दिक्कत होती थी। वो हमारा ट्रीटमेंट जनवरी 2019 से ले रहे हैं। उस हमारे ट्रीटमेंट के बाद उनको 70% आराम है। आइए उनका ऑडियो सुनते हैं। हेलो अभिषेक जी, थैंक यू सो मच सर अपना ऑडियो देने के लिए। सर, मेरे को ये जानना है आपको ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई टिनाइटिस की। एक्चुअली ये 6 साल पहले शुरू हुई थी और अचानक ही शुरू हुई थी। okay. मतलब ग्रेजुअली नहीं, अचानक ही शुरू हुई। ओके, एंड जैसे आप बाकी डॉक्टर्स के पास गए, ENT वगैरह के पास, तो उन्होंने आपको क्या बोला? मतलब उस टाइम तो यही बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं है और हो सकता है कि आवाज कभी बढ़ भी जाए घट भी जाए, इसका okay. कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो फिर उसके बाद आपने और क्या कहाँ कहाँ गए आप सर, जब उन्होंने आपको ऐसा बोला तो? मैंने एक बार जहाँ पे मैं मेरा होम टाउन है भागलपुर में, वहाँ पे दिखाया था। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में एक बार UCMS में दिखाया था, उसके अलावा गए। ओके, तो उन्होंने आपको क्या बताया उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में? ट्रीटमेंट के बारे में बस यही बताया कि अवेलेबल नहीं है और एक बस एक लाल सेल्वा में एन्योर करके होता है, वो बताया था, हो सकता है किससे बेटर हो, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके, एंड उसके बाद सर आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? मेरे बारे आपके बारे में तो ये 1-2 साल पहले ही दो मतलब बस नेट ही ऐसे सर्व कर रहा था कि क्या मतलब कोई अभी तक कुछ ऐसे रिसर्चेज वगैरह उसके पे पता चला। ओके, एंड सर आपने आप हमारे पास आए, आपने ट्रीटमेंट लिया, सो ड्यूरिंग आप जब हमारे पास आए तो क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था सर आपके साथ? मेरे साथ वही कि पहले तो मेरे ऑडियोमेट्री का रिपोर्ट, उसके हिसाब से जितना मेरा हियरिंग लॉस हो रहा था टिनिटस के कारण, फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे टेस्टिंग हुआ, मतलब ऑन द स्पॉट टेस्ट हुआ कि कितना हियरिंग लॉस है, फिर उस बेसिस पे साउंड मैचिंग ऑन द डिवाइस, फिर उसके हिसाब से थेरेपी चालू। ओके, एंड आफ्टर जब आपने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद आपको कैसे आपको फील कैसे हो रहा था सर रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, एंड आपको क्या सिचुएशंस आती थी? मतलब ट्रीटमेंट ग्रेजुअली इम्प्रूव था क्योंकि मेरा काफी सालों बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स आफ्टर द सिम्पटम्स स्टार्ट है, तो मेरा रिकवरी काफी मतलब काफी स्लो था लेकिन फिर भी हुआ। पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी भी हो रहा है इन द प्रोसेस। ओके, एंड आपको टिनाइटिस की हां जी बताइए। मतलब प्रॉब्लम बस है कि एडेरेंट रहना है ये ट्रीटमेंट में, आगे हो जाए। ओके, एंड मेरे को ये जानना है आपको टिनाइटिस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? प्रॉब्लम टिनाइटिस के कारण तो जैसे हेड हैवीनेस रहना, इरिटेशन रहना, काम में ध्यान ना लगना। नहीं नहीं, ये सब मेरे को उतना ज्यादा नहीं था, मेरे को टिनिटस। ओके, एंड काफी मिनिमल। अब आपका जैसे आपको हेयरिंग का भी थोड़ा इशू था, तो अभी हेयरिंग आपको कैसा लग रहा है सर पहले से? हेयरिंग ऑलमोस्ट नॉर्मली आ गया। ओके ओके, एंड इफ आई आस्क इन परसेंटेज, अभी आपको कितना परसेंट बेटर है सर, रिलीफ है? इनिशियल से 75%। ओके, एंड एज यू नो कि इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, सो आप कुछ पेशेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, कि इस मतलब इस जो डिजीज है, बेसिकली डिजीज तो है नहीं, मतलब इसके बारे में अवेयरनेस काफी कम है और रिसर्चर्स भी काफी कम किए गए हैं इससे, क्योंकि मतलब उतना डिजेबलिंग कंडीशन है नहीं, लेकिन फिर भी इसको अगर ज्यादा होता है तो काफी इरिटेशन हो जाता है, तो एक ये डॉक्टर स्पेक्ट्रा का जो ये है ये काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल है, काफी नई रिसर्च में और अच्छा प्रोग्रेस पे, मतलब अच्छा रिजल्ट भी है, तो ऑब्वियसली एक बार ट्राई करके देखने का। ओके, एंड सर वन मोर थिंग, जैसे क्या हम आपका ये ऑडियो YouTube पे पोस्ट कर सकते हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस सर? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर।